केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए गेहूं का पर्याप्त भंडार मौजूद है और अनाज के आयात शुल्क में बदलाव करने का कोई इरादा नहीं है। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि देश के पास घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए गेहूं का पर्याप्त भंडार मौजूद है। यही वजह है कि सभी अनाज के आयात शुल्क में बदलाव करने का कोई इरादा नहीं है। साथ ही खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग गेहूं के बाजार मूल्य पर बारीकी से नजर रख रहा है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि जमाखोरी रोकने और कीमतें स्थिर रखने के लिए सरकार गेहूं के बाजार मूल्य पर कड़ी नजर रख रही है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि मौजूदा रबी विपणन सीजन 2024 के दौरान 112 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं के उत्पादन की सूचना दी गई। सरकारी स्वामित्व वाले एफसीआई ने 11 जून तक करीब 266 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की। मंत्रालय के मुताबिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए अनुमानित 1.84 करोड़ टन की जरूरत पूरा करने के बाद आवश्यकता पड़ने पर बाजार में हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त गेहूं स्टॉक उपलब्ध होगा। देश में 1 जनवरी 2024 तक गेहूं का बफर स्टॉक 138 लाख मीट्रिक टन के निर्धारित बफर मानदंड के मुकाबले 163.53 लाख मीट्रिक टन था। मंत्रालय ने कहा कि गेहूं का स्टॉक कभी भी तिमाही बफर स्टॉक मानदंडों से नीचे नहीं गया। दरअसल तिमाही बफर स्टॉक साल भर अलग अलग होता है।